सो हेलो हाय नमस्ते आदाब फ्रेंड्स, मैं हूँ लुब्धक और लुब्धक वर्कशॉप में आपका स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है इसमें मैं आईओटी के बारे में ये पार्ट टू का वीडियो लेके आया हूँ। आईओटी यानी कि वाईफाई के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आप होम ऑटोमेशन बना सकते हो। कैसे बनाओगे वो चीज़ है। तो पिछला वीडियो आई बटन में आपको मिल जाएगा किस प्रकार से मैं ये वाला जो सर्किट था वो मैं बनाया था। इसके थ्रू आप दो रिले यानी मैं लगाया था दो लाइट को कंट्रोल करने के लिए, और मोबाइल से इसको कंट्रोल कर सकते हो। वाईफाई सिस्टम अगर आप लगाओगे तो ये तो आपका घर में या ऑफिस में आप सेट करोगे। आप आउट ऑफ द स्टेट, आउट ऑफ द कंट्री यू कैन ऑल्सो कंट्रोल योर लाइट्स। मतलब आप मतलब कंट्री के बाहर से भी आप इसको मतलब कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन ब्लूटूथ के थ्रू अगर आप इसको करोगे तो उसमें आप नहीं कर सकते। ये जो पोर्शन है, ये जो पार्ट है ये आप ब्लूटूथ से भी आप कर सकते हो। जैसे कि ये वाला जो सर्किट मैं बनाया था, ये 80 Mega 328P जो आईसी है, माइक्रो कंट्रोलर आईसी है, उसके थ्रू इसको मैं बनाया था। इसके लिए आपको क्या करना है, आई बटन में जाके आप पिछला वाला वीडियो आप देख सकते हो कैसे मैं बनाया था। और इसमें जो आईसी लगेगा वो है आपका आर्डुइनो वाला आईसी, ठीक है। इसमें जो आईसी लगेगा वो आर्डुइनो का ए वाला आईसी लगेगा। तो आर्डुइनो के थ्रू आपको प्रोग्राम डालना होगा, और ये जो आईसी है आप जब नया खरीदते हो उस टाइम इसमें बूटलोडर इंस्टॉल नहीं होता। तो बूटलोडर कैसे इंस्टॉल करते हैं वो भी मैं पिछला वाला वीडियो में बता चुका था। और जब आप इसमें बूटलोडर डालोगे उसके बाद ही सिर्फ आप नॉर्मल इसमें कोडिंग डाल सकते हो, उससे पहले नहीं। ये वाला जो सर्किट है इसके साथ आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि AC05 वाला ये वाला ब्लूटूथ आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। नॉर्मल जो आपका आर्डुइनो है इसके साथ जैसे कर सकते हो, इसके साथ भी सेम तरीके से आप कंट्रोल मतलब कनेक्शन कर सकते हो। इतना तो आपको पता ही होगा। तो ये वाला जो पोर्शन है कंट्रोलिंग पार्ट ये वाला आपका सिर्फ चेंज होता है, या तो ब्लूटूथ कंट्रोल होगा या तो वाईफाई के कंट्रोल होगा, ठीक है। लेकिन बाकी इतना जो ड्राइविंग पार्ट है तो ये वाला हमेशा सेम रहता है। जितना आप लाइट्स वगैरह लगाओगे उतना आप यहाँ पे रिले वगैरह लगा सकते हो। फैंस अगर आप लगाओगे तो उसके लिए भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। फैंस के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, किस तरह से स्पीड कंट्रोल कर सकते हो वो भी टोटल डिटेल, और प्रोग्राम कैसे करना है, कोडिंग कैसे करना है, पूरा मतलब एक वीडियो लेके आने वाला हूँ कुछ ही दिनों में, ठीक है। तो वो आ जाएगा तो फिर आपको मिल जाएगा। सब्सक्राइब अगर आप नहीं किए हो अभी तक तो आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ठीक है। अभी जो चीज़ लेके आज बात कर रहा हूँ वो है कि वायरिंग कैसे करना है, स्विच कहाँ पर लगाना है, दो अलग अलग जगह से आप कैसे कंट्रोल करोगे। अगर यहाँ पे ऐसा हो जाए कि वाईफाई कनेक्शन कट जाए तो उस टाइम आप क्या करोगे, तो उस टाइम यहाँ पे स्विच से आपको कंट्रोल करना होगा। तो स्विच कहाँ पे लगाना है वो एक चीज़ है। जैसे कि ये जो मेन का सप्लाई तो ये वाला है, यहाँ से आपका सप्लाई आएगा स्विच बोर्ड के अंदर। तो ये जो सिस्टम है यहाँ पर आप स्विच अगर स्विच आप लगाओगे तो तब क्या होगा, दोनों लाइट्स ही ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे जितना भी आप लाइट्स वगैरह लगाओगे तो वो सभी यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। लेकिन यही नहीं, आप अगर एक एक लाइट्स जो है वहाँ पे एक एक के लाइट के वायर के बीच अगर आप जो आपका फेज है वहाँ पे अगर आप स्विच लगाओगे तब भी आपका सेम होगा। इसको तब क्या होगा, तब ए वाला यहाँ पे अगर आप स्विच लगाते हो ए वाला वायर में, ए वाला, तो तब भी ए वाला स्विच यहाँ पे जो स्विच आप लगाओगे वो अगर आप ऑफ करोगे तो यहाँ से आप कंट्रोल नहीं कर सकते वाईफाई के थ्रू। मोबाइल के थ्रू आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ऑफ ही ऑन नहीं कर पाओगे जब तक ना ये वाला स्विच यहाँ पे जो स्विच आप लगा रहे हो उसको आप ऑन करते हो। तो एक चीज़ हो गया। तो ऐसा कुछ ऐसा सिस्टम करना है अपना स्मार्ट
वेडिंग कैसे करना है। स्मार्ट वेडिंग करने के लिए आपको या तो आप मोबाइल से भी ऑन कर सकते हो, यहाँ से ऑफ कर दोगे, यही वर्ड हम यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ से हम ऑफ कर देंगे तो यहाँ से ऑन कर सकते हो मोबाइल में, ठीक है। और मोबाइल और यहाँ से फिर से आप अगर इसमें ऑन कर दोगे, यहाँ से ऑफ कर सकते हो, यहाँ से ऑफ कर दोगे, यहाँ से ऑन कर सकते हो, मतलब उल्टा कर सकते हो, कहीं से भी आप कंट्रोल कर सकते हो वो कैसे करना है। नॉर्मल हाउस वायरिंग में क्या होता है, दो अलग अलग स्विच बोर्ड यूज़ करते हैं, या तो रूम में एंट्री करने के बाद दरवाजे के साइड में एक स्विच बोर्ड लगाते हैं, वहाँ से आप कंट्रोल करते हो, और दूसरा होता है कि बेड के साइड में होता है और एक स्विच बोर्ड, तो वहाँ पे नॉर्मली हम यूज़ करते हैं टू वे स्विच। तो टू वे स्विच यहाँ पर भी हम लगाएंगे, तो कैसे लगाना है वो भी मैं दिखाऊंगा। तो ये अपना जो सर्किट है इसको सबसे पहले थोड़ा हम पलटेंगे ठीक ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रिले का कनेक्शन है, ठीक है, एक रिले एक रिले। यहाँ पे जो मेंस का जो लाइन है ये वाला यहाँ पे, तो वो आता है जहाँ पे, उसको खोलने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो आउटपुट है अपना जो बल्ब में जा रहा है, एक एक बल्ब में एक वायर गया है, ए वाला बल्ब में ए वाला गया है या ए वाला बल्ब में, ए वाला जो कनेक्शन है इसको हटाना है यहाँ से, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, सबसे पहले इतना ही करना है, दूसरा वायर भी हटा लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट जो दो वायर था, यहाँ पे दो आउटपुट जो वायर है वो मैं हटा लिया हूँ, ठीक है। अभी एन ओ और एन सी दोनों ही ओपन है रिले, दोनों रिले का। तो अभी यहाँ पे हमने अपने को क्या करना है, ये जो वायर है इसमें कुछ करना नहीं है, यहाँ पर एक एक रिले के साथ दो दो वायर लगाना है, ठीक है। कैसे लगाना है मैं अब बता देता हूँ अभी, ओके। तो फिर फ्रेंड्स यहाँ पे मैं क्या किया हूँ देख लीजिए, ये रिले है, एक एक जो रिले है उसका एन सी से एक, एन ओ से एक, दो दो वायर मैं निकाल लिया हूँ। यहाँ पर इस वाले रिले से भी सेम, एन सी से एक, एन ओ से एक, ठीक है। अभी क्या करना है, और इधर आप देखिए जो बल्ब है उसका जो वायर मैं यहाँ से खोल दिया था, वो वाला वायर सेम है, यहाँ पर है थोड़ा अलग। ये वाला जो बल्ब है इसका जो इनपुट का वायर जो यहाँ से मैं खोला था वो वाला मैं साइड करके रखा हूँ, ये देखिए यहाँ से निकला है, ठीक है। अभी बल्ब में इनपुट कैसे जाएगा, ऐसे अगर होगा तो यहाँ पे एक स्विच लगाना होगा, कैसे देखिए, ये टू वे स्विच मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। टू वे स्विच को कैसे कनेक्शन करना है, साइड में जो जो पोर्शन है, ये जो दो पिन है, ये वाला पिन या ये वाला पिन, यहाँ से ये रिले का एक वायर लगेगा और इसका एक साइड में रिले का दूसरा वायर लगेगा और बीच में से जाएगा आउटपुट जो बल्ब में जाएगा, ठीक है। तो मैं एक को कर लूँगा अभी, देखिए कैसे करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो रिले है, ये वाला रिले का दो पार्ट जो है, दो वायर मैं ये जो स्विच है स्विच का दोनों साइड में लगा दिया हूँ। जैसे भी आप चाहो वैसे ही लगा सकते हो, ये वाला इधर ये वाला उधर भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीच से सिर्फ आपका का आउटपुट जाएगा वो बल्ब में जाएगा, ठीक है, इतना ही करना है। अभी दूसरा जो साइड है दूसरा रिले का वो भी सेम तरीके से इसमें लगाना है, ठीक है। तो भी फ्रेंड्स यहाँ पे मैं दोनों स्विच को ही लगा लिया हूँ, ठीक है। अभी मेंस में सप्लाई दूंगा और इसमें सप्लाई दूंगा, अपना ESP मॉड्यूल में सप्लाई दूंगा, उसके बाद मैं मोबाइल से इसको कंट्रोल करके दिखा देता हूँ कैसे ये काम करता है, ठीक है। अभी मोबाइल से भी कनेक्ट करके इसको मैं ऑफ कर सकता हूँ, ये ऑफ हो गया, मोबाइल से ऑफ हो गया, यहाँ से फिर से ऑन कर दिया, इधर देखिए इधर ऑफ हो गया, यहाँ से ऑन कर दिया। तो ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है, दो जगह से आप इसको इससे ही आप कंट्रोल कर सकते हो, दूसरे को भी मैं दिखाऊंगा अभी। इससे ऑफ ऑन हो गया, ऑफ ऑन, ऑफ ऑन, ठीक है, इसको
तो ऐसे ओपन वायर में आप काम मत कीजिए। अगर आप नए हो इलेक्ट्रिकल में, अगर आप नए हो तो ऐसे ओपन वायर में आप काम मत कीजिएगा, ठीक है। मेंस को आप ऑफ जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं इसमें काम करता हूँ, इसीलिए इसमें मैं इसको ओपनली मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे काम कर रहे हो तो कोई इलेक्ट्रिशियन से आप सहायता ले सकते हो, ठीक है। या तो आप मेंस को ऑफ करके भी आप ऐसे काम कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी मेंस को ऑफ कर दिया हूँ, यहाँ से अभी कोई काम नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ से भी स्विच कोई शॉर्ट नहीं देगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आप काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे अगर आप कनेक्शन करोगे तो क्या होगा, आप एक ही जगह पे स्विच बोर्ड अगर आप बनाओगे तब भी वो काम करेगा। रूम में एंट्री करने के बाद ही आप स्विच बोर्ड लगाओगे तो एक ही स्विच बोर्ड में काम हो जाएगा, ठीक है। और बाकी बेड के ऊपर जब आप चले जाते हो या अदर्स कहीं पे दूर चले जाते हो स्विच बोर्ड से, तो उस टाइम आप मोबाइल से इसको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। इतना हो गया। तो IoT को इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हो। प्रोग्राम जो है इसमें वही सेम प्रोग्राम पिछला वाला जो वीडियो मैं बनाया था, आई बटन में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं पहले वाला जो लिंक है उसमें दे दूंगा, और एंड स्क्रीन में भी मैं वो वाला वीडियो दे दूंगा, ठीक है। तो उसमें प्रोग्राम दे दिया हूँ कैसे इसको करना है, सर्किट डायग्राम वगैरह सब कुछ है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और अगर आज के इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। कोई सवाल या सुझाव हो तो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। चैनल में अगर आप नए हो तो भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे क्रिएटिव, थैंक यू।